मुंबई में करीब 1200 से ज्यादा पंडालों में अगले 10 दिन तक एक ही नारा गूंजेगा, गणपति बप्पा मोरया। ढोल नगाड़े लिए गणपति के भक्त इस पर्व का पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र और मुंबई के घर और पूजा पंडाल भगवान गणेश का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से सज धज गए हैं। बढ़ती महंगाई और मौसम का राज्य के सबसे बड़े सार्वजनिक उत्सव के उत्साह पर कोई प्रभाव नहीं। गणपति की स्थापना की गई पड़ता है मुंबई करों को, महाराष्ट्र के लोगों को, देशवासियों को। गणेशोत्सव के लिए गणपति बप्पा का इंतजार रहता है और वैसा इंतजार आज से पूरा हो गया। पूरे मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, चारों तरफ गणपति बप्पा के जय जयकार के नारे लग रहे हैं। भक्तों की अगर बात करें तो उनमें काफ़ी खुशी है, इतनी खुशी कि लंबे अरसे के बाद उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हुई है। बप्पा से वो आशीर्वाद लेंगे, बप्पा से जो अपनी कामना है उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा का भी पूरा बंदोबस्त किया है मुंबई पुलिस ने, ताकि जैसा कि छेड़खाने की वारदातें होती हैं, महिलाओं के साथ किसी तरह की बदतमीजी ना हो सके, इन सब बातों का भी खासा ख्याल रखा गया है। और खास बात यह है कि हर बार जो भक्तगण होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको ऐसे त्योहार पे छुट्टियां नहीं मिल पाती थी, सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती थी। ऐसे में बोर्ड की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 4 दिन का छुट्टी का भी अवकाश घोषित किया गया है, यानी कि जो खुशी का माहौल है, उल्लास है भक्तों में लेकर गणपति बप्पा को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। पूरे मुंबई में गणपति बप्पा की जय जयकार हो रही है और लगातार हर पंडालों में, हर मंडलों में जो भक्तगण हैं बप्पा के दर्शन के लिए अभी भी कतार बद चले आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे कितने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई कि लोग इंतजार करते हैं बप्पा का पूरे साल, और बप्पा की जब स्थापना होती है तो पूरे उत्साह के साथ उनकी पूजा की जाती है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के घर गणपति की स्थापना की गई है। सिद्धि विनायक में हजारों भक्त उमड़ रहे हैं गणपति के दर्शन करने के लिए। आज पूजा का पहला दिन है। अब्बास, अगर पहले दिन की बात की जाए तो कितने श्रद्धालुओं के मुंबई की सड़कों पर उमड़ने की उम्मीद है, और लगभग 1200 पंडाल सार्वजनिक बनाए गए हैं? बेशक देवे, जैसा कि लगातार मुंबई में बप्पा की जो चाहने वाले हैं, बप्पा को लेकर जो सदियों से सालों इंतजार करना पड़ता है, हालांकि पंडाल में की जो तैयारियां होती है 2 महीने पहले से ही तैयार शुरू हो जाती है, जो बड़े पंडाल होते हैं उनको लेकर के कि बप्पा के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं, यानी कि 2 महीने पहले से बड़े पंडालों की तैयारी शुरू हो जाती है। और मुंबई में अगर हम बात करें तो लगभग 6000 ऐसे बड़े पंडाल हैं, और इसके अलावा 1 लाख घरों में खुद गणपति बप्पा स्थापित किए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। 1.5 दिन की गणपति होती है, 7 दिन, 5 दिन की, 7 दिन की गणपति होती है, यानी कि कल गणपति का जो छोटे जो घरों में गणपति बप्पा को बैठाते हैं जो भक्तगण है उनका कल विसर्जन भी करेंगे 1.5 दिन की गणपति का। लेकिन जो उल्लास देखा जाता है, जो खुशी की लहर देखी जाती है बप्पा के भक्तों में, बप्पा के चाहने वालों में, वो मुंबई समेत महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में देश के लिए एक मिसाल समझा जाता है, क्योंकि दूर दूर तक गणपति बप्पा की जो जय जयकार का जो नारा लगता है, जो गूंज होती है, तो यही नहीं सिर्फ महाराष्ट्र ही बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं बप्पा के दर्शन। बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर है मुंबई और महाराष्ट्र का जो गणपति उत्सव है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब बस वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हमारी खास